Hey guys, how are you doing? So just telling, ये वाला video was supposed to be top 10 mistakes you'll all make in life, पर अब ये है top 3 mistakes you'll all make in life, क्योंकि I don't know, शायद से मैंने कोई गड़बड़ कर दी थी. I mean, whatever. Number 3, अपने आप को photographs में अगली बोलना. You know, कभी कभी तुम्हारे दोस्त तुम्हारी photos लेते हैं और उन्हें देखने के बाद you think कि तुम photographs में अगली लगते हो. Well, नहीं. You see, actually reality में तुम्हें अपने mirror में अपनी mirror image देखने की आदत है और जब camera तुम्हारी photo लेता है तो वो उस mirror image को एक real image में convert कर देता है और तुम उस समय अपनी reality देख रहे होते हो. तो तुम photographs में नहीं बल्कि reality में अगली हो. Do something about it, Dom. प्लास्टिक सर्जरी. नंबर 2, बचपन से कोई एक अच्छी पीपल स्किल डेवलप ना करना. ओके, तो आई गेस मुझे तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो पीपल स्किल का बेसिकली मतलब होता है कि तुम लोगों के साथ कैसे हो. क्या तुम किसी से बिना स्टटर करे बात कर सकते हो? क्या तुम स्कूल में पॉपुलर हो? या फिर कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है? वेल, नॉट इन माय केस. अगर मैं अपने आप को पीपल स्किल के लिए 1 to 10 के स्केल में रेट करूंगा तो मैं अपने आप को नेगेटिव 2 दूंगा. और आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को ये पता होगा कि मेरे घर से जस्ट 20-30 स्टेप में एक फुटबॉल ग्राउंड है, लाइक फुल साइज्ड, ओपन 24/7, फ्री, जिसमें पोटेंशियली मैं हर समय खेल के अपने आप को फिट रख सकता हूँ. बट व्हाट डू आई डू, मैं रात के 10 बजे उस ग्राउंड में जाता हूँ वॉक करने, ताकि मैं किसी ह्यूमन से इंटरेक्शन अवॉइड कर सकूँ. या आई नो डॉग, या वहाँ डॉग बहुत होते हैं. नंबर 1, ओके, तो आई गेस मुझे इसमें तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा. वेल, मेरा एक दोस्त था क्लास 10th में जिसने 11th में साइंस ली थी. आई डोंट नो व्हाई, जबकि उसके साइंस में मुझसे भी कमाते थे. और या लाइक अ गुड फ्रेंड, मैंने उसे रिकमेंड किया था कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड योर पैशन और साइंस मतलब इट्स अ ट्रैप. लेकिन उसने साइंस ली और वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया. तो कुछ मंथ बीते और जिस मैंने कैजुअली कॉन्वर्सेशन में मैंने उससे उसके टर्म 1 के मार्क्स के बारे में पूछा और वो फेल हो गया था ऑब्वियसली, क्योंकि 11th की साइंस हार्ड होती है. और फिर कुछ और समय बीता और वो रोज मुझे मीम्स भेजता था, डार्क मीम्स. शायद से वो डिप्रेस था और इट वॉज ऑल नॉर्मल. वो मुझे मीम भेजता था, ज्यादातर वो प्राइवेट अकाउंट के होते थे, मैं देख भी नहीं पाया था. तो व्हाटएवर. और ऑल्सो वो इंस्टाग्राम में पूरे दिन ऑनलाइन रहता, तुम जब भी उसको रिप्लाई करो कुछ ना कुछ रिएक्शन दे जाता या फिर रिप्लाई करता था. तो अगेन कुछ और समय बीता और उसने एक दिन रैंडमली जस्ट एक स्टोरी पुट अप की जो सुसाइडल थी. और आई न्यू कि वो हमेशा मजाक करता था और शायद से वो भी एक मजाक होगा. तो मैंने उसको सार्कास्टिकली रिप्लाई किया और मुझे उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया और वो अब ऑनलाइन भी नहीं आता. तो मैंने उसे फिर काफी समय बाद एक मैसेज किया और शिट, मुझे अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया, ना वो आज तक ऑनलाइन आया और नथिंग. और आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया. और आई डोंट नो, वेल नेवर माइंड. आई गेस इस वीडियो में मैं पता लगा उनके उसने सुसाइड किया कि नहीं, लाइक उसको कॉल करके अभी. तो या वेट अ सेकंड. Okay.